ये है पाकिस्तान की सबसे छोटी शायरा जो मजाहिया नज़में सुनाती है। छोटी सी नन्ही बच्ची ने कैसे एंकर की बोलती बंद कर दी, देखिए इस वीडियो में। खुदार मेरे शहर का फाको से मर गया, राशन तो बट रहा था वो फोटो से डर गया। नानू मारती भी हैं जब आप सीख नहीं पाती? नहीं मारती। मेरा इंटरव्यू ले रही हैं, कैसे लेंगे? अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम अंशिया है, मैं वन क्लास की स्टूडेंट बात कर। मुझे बताओ एंकर वन क्लास की स्टूडेंट होती है? बोल मेरी मटकी तो छनेगी कि ना ना साया साडे कोल छन दी भी ना। शायर इस शेर में हड हरामी का जिक्र कर रहा है। मैं हूं हजुरम आई एम ने गेट कितने 5 हो गए किसान ने फिरान पूछा व्हाई आर यू बने। तेरी गिट्टियां तो मैल क्यों नहीं लाती दी दास? होती नहीं हो। मैं आपको एक सवाल देती हूं, आपके मुंह बंद हो जाएगा। नजर ने नजर को नजर से देखा, नजर को नजर की नजर लग गई। नजर ने नजर को नजर की लग गई, नजर ने मेरे पास बैठी मुझे कहने लगी जल्दी इंटरव्यू करें, मुझे और भी काम है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं काका रिपोर्टर, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी। नाज़रीन हमारे साथ छोटी सी नन्ही सी बच्ची मौजूद है जो ऐसे अशआर सुनाती है कि आपकी अकल हैरान रह जाती है कि शायद ये लखनऊ से आई है। ऐसा अंदाज़े गुफ्तगू है, आपने देखा कि शायराना अंदाज है, इतने शेर याद किए हैं, उर्दू पंजाबी इंग्लिश मिक्स कर देती है। इसके पास चलते हैं और इसको जानने की कोशिश करते हैं, इतनी छोटी सी उम्र में इतना बड़ा धमाका कहाँ से आ गया है। क्या नाम है आपका? लोग कहते हैं मंशिया, यही मेरा नाम है, यही मेरी पहचान है। ओह वाह वाह, मंतशा की उम्र कितनी है? 7 साल। 7 साल की बच्ची इस तरह कैसे बोलती है, कौन सिखाता है आपको? ये मुझे मेरी नानू सिखाती हैं। नानू मारती भी हैं जब आप सीख नहीं पाती? हाँ नहीं मारती। हाँ पहले सच निकल गया, किस चीज से मार पड़ती है? मैं ठीक नहीं करती ना, पहले बंदे को आता है नहीं ना, तो उस पर दांत पड़ेगी ना, उसका भी सिर कपा रहे हैं। टाइम भी जाया कर रहे हैं बड़ों का। जी जी लहस के कह रही है जी। किस चीज से मार पड़ती है? वाइपर से, हाथ से, डंडे से, किस चीज से? हाथ से पड़ती है। कभी कभी जूतों का इस्तेमाल भी हो जाता है हसबे जरूरत? नहीं। अच्छा मुझे अब अच्छा सा शेर सुनाओ, लोगों को हमने यही बताया लड़की बड़े अच्छे शेर सुनाती है, जल्दी से आ जाओ और छा जाओ। खुदार मेरे शहर का फाको से मर गया, राशन तो बट रहा था वो फोटो से डर गया। चढ़ती रही मिजार पे चादर तो बेशुमार, बाहर जो एक फकीर था सर्दी से मर गया। रोटियां मेरे शहर के कुत्तों ने छीन ली, फाका गरीब शहर के बच्चों में बट गया। चेहरा कह रहा था कि मारा है भूख ने, हकीम ने कह दिया कुछ खा के मर गया। क्या खा के मर गया? अच्छा क्लास में जाती हो, दूसरी बच्चियां आपकी तरफ देख के क्या रिएक्ट करती हैं जब आप ऐसे शेर सुनाती हो? वो छुप छुप के बैठी होती हैं मुंह छुपा के? हाँ ऐसे ही करती हैं। ऐसे करती हैं? और मैं वैसे भी ये सुनाती रहती हूँ, जैसे जुमे को हमारा बज़्म अदब होता है तो मैं वहाँ पर भी ये सुना देती हूँ। अच्छा। और फिर मैं जैसी क्लास में एंट्री होती हूँ तो मुझे सारे कहते हैं तुम अभी भी सुना दो, जो तुमने क्या सुनाया था वो तो खुद मेरे से याद करने को फिरते हैं। अच्छा आपकी शागिर्द भी हैं? Oh, no. आप तो नानों से सीखती हैं, आपने आगे अकेडमी भी खोल रखी है लोगों को सिखाने के? नहीं अकेडमी नहीं खोल रखी, खुद कहते हैं मुझे, मैं क्या करूँ। पहले कहते हैं कि ना सुनाओ। हाँ। तो मैं सुनाती हूँ तो अपनी शेरों वाली बुक पे लिख लेते हैं, नोट कर लेती हैं, कॉपी कर लेती हैं। आपको इनसे फीस लिया करो अपने फीस शेर के। लिया करूँ क्या? मुझे स्लंटीज ला के दो, मुझे लेज ला के दो, यही आपकी फीस है, छोटी सी तो हो आप। यही करूँगी। यही करोगी ना। अच्छा अब अगली नज़म सुनाओ हमें। बुलंदी जिनकी ख्वाहिश थी चटाई पर उतर आए, लगाई ताज को ठोकर गदाई पर उतर आए। जो देखा माँ को तन्हाई में सूखी रोटियां खाते, तो बच्चे फेंक कर बस्ता कमाई पर उतर आए। क्या बात है, ये कौन याद करवाता है नानों को, इतना टाइम है आप पे लगी रहती है, मुझे लगता है पूरी मार पड़ती है। नहीं मैं सुबह उठती हूँ नमाज पढ़ती हूँ पर फिर मैं स्कूल को जाती हूँ, फिर मैं स्कूल से आके रेस्ट करती हूँ, फिर मैं अकेडमी पढ़ती हूँ। तो फिर जब मैं अकेडमी से आती हूँ तो सपारे पढ़ने का टाइम होता है। मैं शेर कब पढ़ती हो? रात को। रात को कितने बजे? रात को हम सारे फारिग होते हैं, हम मर्जी से पढ़ लेते हैं जब भी दिल करता है, जब मूड बने पढ़ लेते हैं शेर। जी जब बोर हो रहे हो कर लेते हैं। बोर हो रहे हो? लड़कियां तो बाकी रोटी खाती हैं, चीजें खाती हैं, पिज्जा खाती हैं, आपकी खुराक क्या है, आपको क्या खिलाया जाता है जो इतनी आप फर फर बोल रही हैं? जी भी वही खिलाया जाता है जो सब खाते हैं। नहीं आप सबसे हटके हो ना, आपको बादाम नहीं खिलाए जाते, आपकी जरा अकल तेज हो। हाँ खिलाए जाते हैं। कितने खिलाए जाते हैं? सारे।
बाकियों को कुछ नहीं देती? Oh, no. देती हैं। हाँ। क्या बनना है बड़े होके? अपना अपने शायर बनना है या एंकर बनना है, क्या बनना है? एंकर। एंकर बन के क्या करोगी? एंकर बन के लोगों की इंटरव्यू लूंगी। किस चीज पे लोगी? एमी जाके इंटरव्यू लोगी? नहीं। हाँ। जैसे हर कोई काम करता है ना, तो उसके इंटरव्यू नहीं ले सकते। मतलब आप मेरा इंटरव्यू ले रही हैं, कैसे लेंगी? जैसे लेते हैं। अपना तारुफ करवाओ ना, कैसे? माइक पकड़ लिया। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम अंशिया है, मैं 1 क्लास की स्टूडेंट हूँ और आप देख रहे हैं 7 पॉइंट। आज हम बात कर, मुझे बताओ एंकर 1 क्लास की स्टूडेंट होती है? नहीं। फिर बड़ी हो गई हो, दोबारा हो। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं 1 क्लास की स्टूडेंट। आई तुम्हारी जान नहीं छूटेगी, चल रहा है, सभी देख रहे हैं आपको, सभी देख रहे हैं। हाँ हाँ चलो दोबारा आओ जरा। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं 1 क्लास नाज़रीन, ये 1 क्लास की स्टूडेंट नहीं है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आगे आओ। अच्छा, मैंने आपकी ना वीडियो देखी थी टिकटॉक पे, आप तो टिकटॉकर भी हैं, आपकी वीडियो वायरल हो रही है, मैं इसलिए दौड़ा आया हूँ कि बच्ची कर क्या रही है ये। वो आपने कोई ना बड़ा झूम झूम के कर रही थी, पिसदी भी ना, पता नहीं इस तरह की कुछ आप सुना रही थी, वो तो शुरू करें जरा। एक रुपए दी कनक ले आंदी, बोल मेरी मटकी तू छनेगी किन्ना, ना साइया साडे कोल छंदी भी ना, छनी छनाई तेरे अगे रखदा, बोल मेरी मटकी तू पिसेगी किन्ना, ना साइया साडे कोल पिसदी भी ना, पिसी पसाई तेरे अगे रखदा, बोल मेरी मटकी तू गूंदेगी किन्ना, ना साइया साडे कोल गुंदी भी ना, गुनी गुनाई तेरे अगे रखदा, बोल मेरी मटकी तू पकाएगी किन्ना, ना साइया साडे कोल पकदी भी ना, पक्की पकाई तेरे अगे रखदा, बोल मेरी मटकी तू खाएगी किन्ना, अल्लाह बिस्मिल्लाह मेरे हत्ते तवा, अल्लाह बिस्मिल्लाह मेरे हत्ते तवा। शायर इस शेर में हड हरामी का जिक्र कर रहा है कि जब आपको कोई काम कहा जाता है आप नहीं करते, और जब आपको खाने को दिया जाता है आप हाथ धोने चले जाते हैं। जी। आप कितनी हड हरामी है बताओ? मैं हूँ हरामी। कभी मम्मा की हेल्प नहीं करती, कभी नानों की हेल्प नहीं कीजिए, रोटी का टाइम आता है हाथ धोने चली जाती है। नहीं, छोटे मोटे मैं काम करती हूँ। क्या करती है? जैसे कोई डस्टिंग, ऐसी चीजें। अच्छा, मुझे ये बताओ जब स्कूल जाती हो लड़कियों के टिफिन चुरा के भी खाती हो? नहीं। क्यों? चेक कर लिया करो किसी में अच्छी अच्छी चीजें भी होती। नहीं होती। नहीं होती। अच्छा, जब कैमरा हमारा ऑफ था आप हमें एक नज़म सुना रही थी जिसमें आपने उर्दू इंग्लिश पंजाबी मिक्स कर दिया था, वो तो सुनाएं, वो क्या मेरे ऊपर से गुजर गई है, अब आस्ता आस्ता सुनाना मैंने। oh, no. लोगों ने भी समझना है क्या कह रही है वो, किसान गन्ने वाली क्या थी वो? आई एम ने गेट कितने 5-4 गन्ने, किसान ने फिर आन पूछा व्हाई आर यू बने, आई एम ने आंसर दिया और रियल किसान, इधर 4-5 गन्ने नाल वचीज यू नुकसान, डंडा लेके आ गया मैं छुड़ाए जान, बजो बजो फास्ट बजो आ गया जिन किसान। वाह वाह, तो करने क्या गई थी वहाँ पे जाकर किसान ने डंडा लिया तो? दौड़े थे हम। तो आपने वो गन्ने चुराए क्यों, मुझे ये बताएं? गन्ने मजे के होते हैं। मजे के होते हैं? पीने का दिल करता है। वो खाते हैं उसे, पीते नहीं है? खाते भी हैं, पीते भी हैं। पीते कैसे हैं मुझे ये बताओ, उसमें तो शरबत निकलता है? हाँ निकलता है, पानी निकलता है। पानी निकलता है। अच्छा, मीठा मीठा होता है? मीठा मीठा होता है। दिसंबर जा रहा है, भीगा भीगा दिसंबर तो सबने सुना है, नया साल तो सुनाओ कुछ, उस पे लिखा है आपने? जी लिखा है मैंने। क्या लिखा है, आ जाओ हमें अनायत करो। दुख नए साल के सदा एक से होते हैं, ये नवंबर और दिसंबर कुछ नहीं होता, जो चाहे जितना आम है सदा उतना ही रहेगा, नए साल के आने से कुछ नहीं होता। ऐसे चलता रहना है, तेरे शेर नहीं खत्म होने, अभी चला गया अगला भी चला गया। ऐ मंतशा अपनी आप ची लगी, पंजाबी भी आंदी थोड़ी जी कि नहीं आंदी? आती है। पंजाबी बोलो ना, आती नहीं आंदी है? मुझे एक शेर आता है पंजाबी में, वो मैं आपको सुना देती हूँ। हाँ सुनाए। पहली गलते कि सारी गलती मेरी नहीं, अच्छा चल जे है भी के की मैं तेरी नहीं, ओ कहंदे कि प्यार ते जंग विच जायज है सब, ओ कहंदे कि प्यार ते जंग विच जायज है सब, मैं कहनी हूं हेरा फेरी नहीं, मेरी मन ते आपो अपने राह पइए, मेरी मन ते आपो अपने राह पइए, की कहना जिन्नी हुई बथेरी नहीं। बहुत हो गई है बस कर, बहुत हो गई है आजकल दी मोहब्बत, परसों चौथ हो गई है, बस बहुत हो गई है। मैं क्या कहूं? इस तरह के भी शेर सुनाया करो ना,
ਸਾਡੇ ਕਾਰ ਦੀ ਫਰੰਟ ਸੀਟ ਛੱਡ ਕੇ ਬਹਿ ਗਈ ਹੈ ਲੋਕਲ ਕੋਚ ਤੇ ਜਾ ਲਾਣਾ ਤੇਰੀ ਸੋਚ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇ ਵੀ ਯਾਦ ਕੀਆ ਕਰੋ ਇੱਕ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲੈਣੇ ਮੇਰੇ ਆਈ ਤੀ ਉਹਨੇ ਤੋਂ ਪੋਇਟਰੀ ਨਹੀਂ ਆਤੀ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨੇ ਜ਼ਰਾ ਆਪ ਉਹ ਜੋ ਉਹਨੇ ਪੋਇਟਰੀ ਪੜ੍ਹੀ ਮੈਂ ਆਪਕੋ ਉਹ ਪੋਸਟ ਮੈਂ ਸੁਣਾਉ ਆਪਕੋ ਉਹ ਦੱਸੀ ਆ ਜਾਏਗੀ ਚਲੇ ਸੁਣਾਏ ਡੱਬੇ ਮੇਂ ਡੱਬਾ ਡੱਬੇ ਮੇਂ ਕੇਕ ਦੁਸ਼ਮਨ ਅੰਦਰ ਸੇ ਸਾਫ ਉੱਪਰ ਸੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸੁਣਾਇਆ ਥਾ ਉਸਨੇ ਜੀ ਜੋ ਜਬ ਹਮ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਥੇ ਨਾ ਈਦ ਕਾਰਡ ਭੇਜਤੇ ਥੇ ਨਾ ਉਸਕੇ ਉੱਪਰ ਲਿਖਾ ਹੋਤਾ ਥਾ ਡੱਬੇ ਮੇਂ ਡੱਬਾ ਡੱਬੇ ਮੇਂ ਮੰਤਸ਼ਾ ਵਤੂ ਜ਼ਿਲੂ ਮੰਤਸ਼ਾ ਵਤੂ ਇਜ਼ੂ ਮੰਤਸ਼ਾ ਐਸੇ ਵੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਬਣਾਤੀ ਹੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਤੀ ਹੂੰ ਖੁਦ ਸੇ ਵੀ ਬਣਾ ਲੂੰ ਆ ਖੁਦ ਸੇ ਬਣਾ ਲੋ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਆ ਕਰੋ ਤੇਰੇ ਗਿੱਟਿਆਂ ਤੋਂ ਮੈਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੱਥਦੀ ਦੱਸ ਦੱਸ ਜੁਰਾਬੇ ਪਹਿਨ ਕੇ ਰੱਖਦੀ ਹੋ ਨਾ ਹਨਾ ਤੇਰੇ ਗਿੱਟਿਆਂ ਤੋਂ ਮੈਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੱਥਦੀ ਦੱਸ 20 30 40 50 60 70 80 90 100 ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਉਹ ਗਿਣਤੀ ਵਾਲਾ ਗਾ ਤਾ ਆ ਮੈਨੂੰ ਬਤਾਨੇ ਲੱਗ ਗਈ ਹੋ ਮੈਂ ਦੋ ਤਿੰਨ ਨਹੀਂ ਹੂੰ ਲੋਕੋ ਕੋ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਜਨਵਰੀ ਫਰਵਰੀ ਮਾਰਚ ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਈ ਜੂਨ ਮੈਂ ਰਹਿਣੇ ਵਾਲੀ ਔਰਤੋਂ ਸੇ ਬਹਿਸ ਮਤ ਕੀਆ ਕਰੇ ਔਰ ਬਾਕੀਆਂ ਸੇ ਕੀਆ ਕਰੇ यानी कि जो गर्मियों में पैदा होती हैं उनसे बहस ना करें वो आगे से गर्म हो जाती हैं जो ठंड में पैदा हुई हैं उनसे कर लिया करें वो आगे से कुछ नहीं कहती हैं आपको जी आप किस मंथ में पैदा हुई हैं मैं सर्दी सर्दी में गर्मी में हुई हो सर्दी में हुई हो गर्मी मई में इसलिए मैं अगर बहस करूँगा तो खतरा है कि आगे से गर्म हो जाओगी और लड़ने लग जाओगी बच्चे गैर से ऐसे ही होते हैं कुछ भी कह सकते हैं अच्छा कभी घर में लड़ाई हो छोटे भाई को मारती हो या उससे मार खा लेती हो मैं उससे मारती हूँ मैं उसकी डैन भाई बहन डैन बहन हो जी क्या भूत नहीं आ जाती है चुड़ैल आ जाती है आपके अंदर मेरे में चुड़ैल आ जाती है तो मैं उसे बहुत मारती हूँ oh, no. इस तरह की है वो आपके ख्वाबों में आती है आगे आपको कहती है उठ मार अपने भाई को कहती है तो फिर आप आगे से क्या कहती हो या सीधा मारने लग जाती हो जी फिर निकलती कैसे है वो चुड़ैल वो निवी 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 होके निकल जाती चुड़ैल निवी निवी कराती आप ना ऊंची हुई मैं ट्यून हो जाती हूँ उसे मार के मैं ट्यून होती वो निवी निवी होके निकली आप ट्यून हो जाती हो उसे मारती हो चुड़ैल का भी पूरा हो जाता है ना जी। वो चुड़ैल खाती क्या है कुछ नहीं बादाम खाती है जब घर वाले देते हैं एंकर इस बात में चुड़ैल किसे कह रहा है वो चुड़ैल मम्मा के मारने से जाती है मम्मा उस चुड़ैल को मारती है फिर वो चुड़ैल यूनिफॉर्म पहनती है बैग पहनती है सीधा स्कूल निकल निकल अब इतने तेज बन रहे हैं मैं आपकी अभी बोलती बंद करूं कैसे करोगी बोलती बंद मैं आपको एक सवाल देती हूं आपके मुंह बंद हो जाएगा चलो करो सवाल देखते हैं यार चार दफा कह देंगे कर लेंगे हां बोलो क्या कहना है चार दफा नजर ने नजर को नजर से देखा नजर को नजर की नजर लग गई नजर ने नजर को नजर की लग गई नजर ने ओ की कहना थी oh, no. नजर ने नजर को नजर से देखा नजर को नजर की नजर लग गई नजर ने नजर को मंतशा नजर ने कहा कि मैं इथे ओ किड़े स्यापे नु पाता ही मेनू दोबारा कह नजर ने नजर को नजर से देखा नजर को नजर की नजर लग गई नजर ने नजर को ऐनक से देखा नजर को नजर की क्या लग गई नजर लग गई दोबारा बोलूं जी बोलो नजर को नजर से नजर ने देखा नजर को नजर की गलत 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 सही तो कह रहा हूँ नहीं दोबारा बोलो नजर ने नजर को नजर से देखा नजर को नजर की नजर लगी ऐनक कैसे आ गई ऐनक कहाँ से आ गई नजर को नजर ने नजर से देखा नजर को नजर की नजर लग गई ऐनक कहाँ से आ गई मैंने इसके साथ नहीं बोला था कैसे नजर कहना ही है बस अच्छा नजर ने नजर को नजर से देखा नजर को नजर की नजर लग गई नजर ही है बस नजर को नजर से नजर ने देखा नजर को नजर की नजर लग गई नजर ने नजर को नजर से देखा नजर को नजर की नजर लग गई अब नहीं मैंने कहना आपने सही कह दिया जी नाज़रीन आपने देखा छोटी सी नन्ही सी मंतशा को देखा कितनी तेज़ है माशाल्लाह और पोइट्री कमाल सुनाती है जो इसको याद करवाया जाता है फौरन रट लेती है और एक्सप्रेशन के साथ उसको सुनाती है उसकी जो गेस्चर होते हैं बॉडी मूवमेंट होती है वैसे ही हिल रही होती है जैसे अल्फाज को समझाया जाता है और अदायगी की जाती है अभी छोटी सी है बड़ी होकर ये क्या करेगी एंकर बनेगी क्या शायर बनेगी वो तो वक्त बताएगा अच्छी सी बच्ची का नन्ही सी बच्ची का आप तक हमने इंटरव्यू पहुँचाया अगली वीडियो में
टॉपिक के साथ मुलाकात होगी। मुझे और मंतशा को यहाँ से दें इजाजत। ओके, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।